आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी न्यूज। तो चले हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। बड़ी खबर, बहोरी बंद बीआरसी का ऑडियो हुआ वायरल। मान्यता के लिए मांगे जा रहे थे 31,000, पहले ही 8,000 रुपए की पहली किस्त ले चुके हैं बीआरसी श्री प्रजापति। ऑडियो टेप के आधार पर बहोरी बंद बीआरसी डीके प्रजापति ने पटोरी ग्राम में स्कूल की मान्यता दिलाने के लिए स्कूल संचालक से रुपए की मांग की है। वहीं रुपए न देने पर रिपोर्ट गलत भेजने की भी बात कही। रिश्वत मांगने की पूरी बात स्कूल संचालक ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर ली। ऑडियो में बीआरसी द्वारा कहा गया कि यदि पूरे पैसे जमा नहीं किए तो मान्यता नहीं मिलेगी। वहीं पहली किस्त वापस करने की भी बात कही जा रही है। बीआरसी ने कहा है कि जिले में बैठे अधिकारियों को भी पैसे देने पड़ते हैं तब जाकर मान्यता मिलती है। वही 15,000 मुझे चाहिए और 16,000 डीईओ ऑफिस जाएगा तभी मान्यता मिलेगी। पीड़ित संचालक ने कहा कि आप हमारी फाइल संजीव त्रिपाठी के यहाँ भिजवा दीजिए। तभी बीआरसी ने कहा कि एमआईएस 1,000 जमा करें और 15,000 जिला में जमा करें और बाकी 7,000 मुझे जमा करें। संचालक ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। इतनी बात होने के बाद समाज से ने न बनने पर बीआरसी ने कहा कि आप अपने 8,000 वापस ले लो, हम गुइया छीलने को थोड़ी बैठे हैं, हम आपके नौकर नहीं है। इस ऑडियो में हुई बातचीत से साबित होता है कि विकास खंड से लेकर जिला तक सभी घूस रिश्वत खा रहे हैं और जमकर भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। अब देखना ये बाकी होगा कि जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी विकास खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा ऑडिट के नाम पर शासकीय शिक्षकों से पैसे की मांग कर चुके हैं, जिसके खिलाफ बहोरीबंद विकास खंड के सभी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से बहोरीबंद अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन दिया था और भ्रष्ट अधिकारी को पद से हटाने की मांग की थी। वही उक्त अधिकारी पर महिला शिक्षकों को अश्लील मैसेज भेजने एवं समूह की महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप भी लगाया गया था, लेकिन नेताओं एवं जिला प्रशासन तक अच्छी पकड़ होने की वजह से बीआरसी का बाल भी बांका न हो सका। नतीजन आज विकास खंड शिक्षा अधिकारी खुलेआम प्राइवेट स्कूल संचालकों से रिश्वत मांगने की बात कर रहे हैं। पूर्व में लगे आरोपों की जाँच का जिम्मा बहोरीबंद SDM को सौंपा गया था, लेकिन SDM द्वारा की गई जाँच का आज तक कुछ पता नहीं चला, जिससे विकासखंड शिक्षा अधिकारी के हौसले बुलंद हो गए और खुलेआम रिश्वतखोरी में उतारू हो गए हैं। ऑडियो टेप पर सुने पूरी बात, किस तरह होता है प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने पर घुसखोरी कर लेन देन का खेल। ये कह रहे थे पैसा जमा करो डीओ ऑफिस के लिए, नोट शीट पुट अप करना है, तो आप एक काम करिए सर, हम बाद आपको बाद में पूरा पैट करेंगे, आप हमारा काम करिए पहले। हमको थोड़ी करना है, वहाँ तो जितनी जितनी डिमांड की है उतनी वहाँ जमा कर देना है, काम हो जाना है। तो सर काम करके दीजिए फिर आपका पेमेंट पूरा करेंगे हम। क्या पूरा करेंगे, ये कुछ नहीं होना है। कितना करना है वहाँ पे? वहाँ करना है 16, एक हमारे यहाँ MIS को, 15 वहाँ देना है। सर आपको 8 को दे चुके हैं हम। 8? हाँ 8 दे चुके हैं। 8 किसको दे चुके हैं? आप ही को दिए। किसके हिस्से का दिए? आप कैसे का दिए? तो अभी तो उसमें 7 बाकी है हमारे। नहीं सर इतना ना दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो 8 वापस ले लो। दे दीजिए बिल्कुल, कल वापस आप खाता नंबर दे तो हम डाल देंगे। ठीक है, इतना ना कर पाएंगे सर। हाँ नहीं कर पाएंगे तो मत करिए। आप उनको खाता नंबर, आपकी बात हुई कर देंगे, 15 बात हुई थी अपनी। नहीं आपने खुद कहा था 15। मेरी बात सुनो पहले। हाँ तो ये बिजनेस है, कोई धंधा नहीं कर रहा हूँ, जो जेले में लगता है उसमें 1 रुपया कम नहीं होगा। तो सर मैंने लाई है, दो मानता लाएंगे। आप हमसे 8 ले लो, बात खत्म, झंझट खत्म, सीधा सीधा अपना हिसाब रहता है। नहीं सर बीआरसी डीसी से मैंने लाया है, आप करवा लो जहाँ आपको करवाना हो। आप हमसे 8 लो, अब आप हमको खाता नंबर दे दो, अभी दोपहर तक आपके खाते में डाल दूंगा। हम ये वो पटांग काम नहीं करते हैं। नहीं सर आप ही ने तो कहा था, मैं गुइया खा छीलने के लिए नहीं बैठे। तो वो बात नहीं है, आंसर मेरे को देना है, मेरे को ही कह रहे हो। नहीं सर आपने तो कहा था, मैंने ये कहा था कि 15 तो वहाँ लगेंगी, और जो हमारा है तो हमारा ये है कि तुम देते रहना, अभी नहीं है आपके पास, मैंने ये बात की थी।
तो सर जैसे हम हमारा बस गिना रहे हो। नहीं सर आप नहीं तो जिले का कह रहे हो पहले करा के दो। हम तो हमारे नौकर थोड़ी है कि हम करा के देंगे। वो बात नहीं, नहीं ये गलत बात है। नहीं तो सर ऐसी बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आपने खुद कहा था ऐसे नहीं करता। पर नहीं पटोरी में आपने खुद कहा था कि कुल 15 लगना है आपका। कुल 15 हमको लगना है। वहाँ कितना लगेगा वो भगवान जाने। आपने कहा था 7-8 वहाँ लगेगा। हमने जानकारी किया वहाँ तो वो नहीं उसी भरोसे से थे हम जैसा आपने कहा था। तो हमने झूठ थोड़ी बोला। आप ऐसा करो ना आप करके देख लो किसी भी जिले में करके देख लो ना। आप ही करा के दे दीजिए ना। नहीं हमको नहीं कराना आप नहीं कराना हमें। आप स्वयं करा लीजिए। आप अपना वापस लीजिए जितना आपने दिया ना का काम से ले लो बात करता हूँ। आप कराते रहिए बोला अच्छी चीज नहीं है। नहीं तो वैसी बात नहीं कर रहे सर हम आपसे। आप करा के सर देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप ही की जगह पे बात कर रहे थे हम। जैसे आपने कहा था 15 तो हम ठीक है 15 तो आप अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे लगना है इतना तो उसी बात की तुम बोल रहे हैं आप। हम यदि आपने हमको 15 दिया 15 जाके वहाँ दे दिए तो हमको क्या मिला। हमारे साइन से तो सब कुछ होना है। हमारे साइन से तो डी प्रमाणित करेगा उसको। हम मतलब हम तो ले रहे होंगे अलग ही होंगे। तो सर ये मेरा कहना था तो एक साल का जैसे स्पेस लगाए अपन तो लग सकता है मानता आने के बाद। नहीं नहीं हो पाएगा चालू रखना पड़ेगा मानता मिलेगा तभी स्कूल चलेगा। मतलब ये बोलना है कि मानता है मिल जाए और फिर स्कूल बंद अगले सत्र में जुलाई में चालू करे क्योंकि अभी सब सूचना नहीं है। सो कैसे होगा कि आप स्कूल चल रहा नहीं चल रहा। सो आईटी के बच्चे से हम कर देंगे जो आईटी के बच्चे हैं हाँ। वो कर देंगे हमको अवलोकन करेंगे सर। हम शाला का अवलोकन किए मान लीजिए तो कैसे बच्चे दिखाओगे। क्या सर अभी जाएंगे 10 एडमिशन नहीं मिल रहा वहाँ पे। नहीं वो अलग बात है हाँ। पहले मैं नहीं।